प्रदेश सहित नगर व अंचल में लॉकडाउन के दौरान तेजी से बढ़ती आपराधिक वारदातों के बाद उन पर लगाम लगाने व कार्यवाही के निर्देश देते हुए नव पदस्थ एसपी अजय यादव द्वारा जिले के सभी थानों को उनके थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर के नामचीन गुंडे बदमाश व हिस्ट्री सीटर को थाने में तलब करने का आदेश जारी किया और उनका नया डाटाबेस तैयार करने की बात कही, जिस पर तत्काल आदेश का पालन करते हुए रविवार को स्थानीय थाना प्रभारी राकेश सिंह ठाकुर द्वारा नगर के थाने में रिकॉर्ड गुंडे बदमाश व हिस्ट्री सीटर को थाने बुलाया गया और उनका नाम, फोटो, फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड, पिन नंबर व खाता बुक की जानकारी मंगाई गई। साथ ही सभी को पुलिस द्वारा वर्तमान में नगर व अंचल में बढ़ रही आपराधिक वारदातों की जानकारी देते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दिया गया कि अगर कोई भी ऐसी वारदात में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी को यह भी चेतावनी दी गई कि जितना जल्दी हो सभी आपराधिक गतिविधियों को छोड़कर एक अच्छे नागरिक बने और समझाइश के बाद भी आपराधिक कामों में संलग्न रहते हैं तो पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा। फिलहाल नवापारा पुलिस द्वारा कुल 10 बदमाशों को थाने तलब किया गया था, जिनका रिकॉर्ड पुलिस थाने में गुंडे बदमाश व हिस्ट्री सीटर के रूप में दर्ज है। इस दौरान थाना प्रभारी राकेश सिंह ठाकुर, सब इंस्पेक्टर श्रवण मिश्रा, प्रधान आरक्षक ईश्वर प्रकाश दुबे, आरक्षक छगन साहू सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। DNX TV के लिए नवापारा राजीम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट।